नमस्कार। देव गुरु बृहस्पति अपने मित्र मंगल के नक्षत्र मृगशीर्ष में जाने वाले हैं। 20 अगस्त 2024 से लेकर 28 नवंबर 2024 तक वह इसी नक्षत्र में रहेंगे। हमारी सभी 12 राशियों को उसका क्या परिणाम मिलेगा, उसके बारे में आज बात करेंगे। सर्वप्रथम तो ये जो प्रिडिक्शन है, वह प्रिडिक्शन यदि आपकी जन्म राशि के आधार पर दिया गया है, अर्थात आपका जन्म जब हुआ तब आपका चंद्र जिस राशि में हो वो आपकी वैदिक जन्म राशि है, तो यह प्रिडिक्शन आपके लिए एप्लीकेबल होगा। उतना ही नहीं, यदि आपका नाम भी इस राशि के अक्षर के ऊपर है तो भी आपको यह प्रिडिक्शन एप्लीकेबल होगा। पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ दैट के इस ट्रांजिट के जो महत्वपूर्ण मूल्य है या जो क्वालिटीज़ है उसके साथ आपके एक्शन सिंक में लाओ, ताकि आप इस ट्रांजिट को अच्छी तरह से यूज़ कर पाओ, वो है। तो यहाँ पर प्रिडिक्शन भी दिया जाएगा, उसके साथ साथ आपको किस तरह का मेंटल एटीट्यूड रखना चाहिए या फिर आपको किस तरह के एक्शंस पर फोकस होना चाहिए उसके बारे में भी बात की जाएगी। लेट्स स्टार्ट विथ मेष राशि। मेष राशि के लिए फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ की प्राप्ति होगी। यदि आप कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे हो, देन दिस इज़ द टाइम। इस समय के दौरान उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्राप्त होती रहेगी। हालांकि आपको कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना होगा और कुछ भी बोलने से दो दफ़े सोचना होगा, अन्यथा आप जो कहोगे उसका गलत तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। फैमिली में डिस्प्यूट होने की भी संभावना है, तो आपको इमोशनल आस्पेक्ट पर भी काम करना होगा। वृषभ राशि वालों को चाहिए कि इस समय का वह सदुपयोग कर ले। जो जो उनके एस्पिरेशंस थे या जो जो इच्छाएं उन्होंने एक्सपेक्ट की थी कि फलीभूत होनी चाहिए, उन एरियाज़ पे यदि उन्होंने काम किया तो इस समय के दौरान उनको लाभ होगा। उनका सोशल सर्कल एनहांस होगा, कैरियर ग्रोथ भी मिलेगा, और यदि आप जॉब कर रहे हो तो इस समय के दौरान प्रमोशन मिलने की भी संभावना है। उनको चाहिए कि अपनी शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की जो एनर्जी से उनका उपयोग करके इस समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को इस समय के दौरान सचेत रहना होगा। फाइनेंशियल लॉस होने की पूरी संभावना है। उनको माइंडफुल होकर इन्वेस्ट करना होगा या माइंडफुल होकर अपने व्यवहार को उन्होंने निभाना होगा, अन्यथा उन्होंने सोचा कुछ होगा और उनको परिणाम कुछ और मिलेगा। एक्सीडेंट होने के प्रबल योग है, तो उनको संभालना होगा, अन्यथा छोटी मोटी इंजरी होगी और उसके काफ़ी बड़े कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले समय में उनको भुगतने पड़ेंगे। ओवरऑल यदि वह अलर्ट रहे तो उनको इस समय के दौरान लाभ होगा। इसके अलावा यदि वो अलर्ट न रहे तो उनको हानि होना सुनिश्चित है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कर्क राशि। कर्क राशि के लिए यह समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपकी रिलेशनशिप में हारमनी होगी। फैमिली में कोई बड़े शुभ प्रसंग को सेलिब्रेट किया जाएगा और उसके कारण पूरे फैमिली में एक तरह का खुशनुमा वातावरण बना रहेगा। इनकम बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी मिलेगी और आपके फ्रेंड्स के साथ भी आप एक मेमोरेबल जर्नी करोगे। सिंह राशि वालों को चाहिए कि उनको इस समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। यदि वो ओपन माइंडेड रख के न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो उनके सामने आ रही है उनका वो सदुपयोग करेंगे, तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो उनको काफ़ी समय तक शुभ परिणाम देते रहेंगे। ट्रैवल के भी योग है और बिजनेस एक्सपांशन के भी योग है। हालांकि उनको फैमिली लाइफ के प्रति थोड़ा सचेत रहना होगा, अन्यथा छोटे से डिस्प्यूट के कारण उनका मन अशांत रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही ग्रेट रहने वाला है। उनको छोटा मोटा काम भी जो किया हो और यदि काफ़ी लंबे समय से कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है तो इस समय के दौरान उनको रिकॉग्निशन मिलेगा। पॉजिटिव न्यूज़ मिलेंगे और ग्रोथ सेंट्रिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। वैसे ही लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपके लिए ग्रोथ का रास्ता आगे बढ़ाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट तुला राशि। तुला राशि वालों को यह कॉशियस रहने का समय है। यदि उन्होंने अपनी हेल्थ के प्रति ध्यान नहीं दिया तो उनको शायद हॉस्पिटलाइज करना पड़े या फिर छोटी बीमारी आगे जाके बहुत बड़ी हो जाए, उस तरह के उनके योग हैं।
उनका बहुत सारा समय सेल्फ केयर के प्रति जाना चाहिए, उनका फोकस इस समय के दौरान सेल्फ केयर के प्रति होना चाहिए। एक्सीडेंट्स के भी योग है, तो आपको चाहिए कि कोई एडवेंचरस एक्टिविटी आप न करो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए समय मिश्र परिणाम देने वाला होगा। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन तो बहुत सुधरेगी, लेकिन उनके रिलेशंस थोड़े बहुत प्लस और माइनस रहेंगे, और उसके कारण उनका इमोशनल जो क्वोशेंट है, इक्यू जो है, वो बिगड़ा रहेगा, और छोटी छोटी बातों में उनको मन दुख होगा। यदि उन्होंने बैलेंस अप्रोच लिया और उनके जो विवाद है वो आमने सामने बैठकर ऑन द टेबल रिजॉल्व किए, तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे। यदि फाइटिंग के मूड में वो लोग आ गए, तो आगे जाके कोर्ट केस भी हो सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट धनराशि। धनराशि वालों के लिए बहुत ही फेवरेबल टाइम रहने वाला है। जिन जिन लोगों की आवश्यकता होगी आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ के लिए, उस तरह के लोग आपके जीवन में आएंगे। आपको हालांकि लीगल मैटर्स में यदि आप इन्वॉल्व हो, तो इस समय के दौरान आपको वो लीगल जो ट्रायल है उसको आगे बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि आपकी विजय सुनिश्चित है। यदि कोई हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है, तो हेल्थ भी इस समय के दौरान इम्प्रूव होगी। हालांकि आपकी मैटरनल साइड से कुछ अशुभ समाचार आने के भी योग है, तो आपका इमोशनल जो बैलेंस है वो थोड़ा बहुत प्लस और माइनस रहेगा, लेकिन ओवरऑल आपके लिए समय बहुत ही शुभ रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मकर राशि। मकर राशियों के लिए यह कैरियर रिलेटेड ग्रोथ देने वाला समय रहेगा। आपके संतानों की प्रगति को देखकर आप बहुत ही आनंद अनुभूत करोगे। इतना ही नहीं, यदि आप काफ़ी लंबे समय से किसी शुभ समाचार को एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो इस समय के दौरान आपको उसमें अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। हालांकि आपको आपके पेपर वर्क के प्रति कॉशियस रहना होगा। ट्रैवलिंग में यदि आप जा रहे हो, तो आप फुल प्रिपरेशन के साथ जाना चाहिए, अन्यथा ट्रैवलिंग में आपकी तबीयत थोड़ी बिगड़ जाए, उस तरह के ग्रह योग है। लेकिन ओवरऑल आपके कैरियर के लिए, आपकी प्रोफेशन के लिए यह समय बहुत ही अच्छा व्यतीत होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को चाहिए कि बड़ा ही कॉशियस होकर इस समय को व्यतीत करें। उनको उनके स्पेंडिंग के ऊपर, खर्च के ऊपर उनको काबू रखना चाहिए। यदि उन्होंने खर्च को काबू पर नहीं रखा, तो जो जो उनकी सेविंग्स थी वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, उस तरह के योग है। आपके एक्शंस आपको माइंडफुल होकर करने होंगे, अन्यथा छोटी सी गलती के कारण फैमिली में बहुत बड़े डिस्प्यूट हो सकते हैं, उस तरह के ग्रह योग है। आपको विवाद या फिर आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। फैमिली में ट्रबल्स आने के और छोटी सी गलती के कारण या फिर आपके बोलने के कारण काफ़ी लंबे समय से जो एस्टैब्लिश जो संबंध है वह बिगड़ जाए, उस तरह के योग है। आपको चाहिए कि इस समय के दौरान आप कॉशियस रहे और अलर्ट रहे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीन राशि। मीन राशि के लिए समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। यदि आप ट्रैवलिंग का सोच रहे हो, तो ट्रैवलिंग में भी आपको सुख की प्राप्ति होगी। गोल अचीवमेंट देने वाला यह समय है, तो आपको चाहिए कि इस समय का अच्छी तरह से आप सदुपयोग कर लो। अंत में गुरु की यह ट्रांजिट हम सभी राशि वालों को या हम सब के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।